भगवत गीता थेरेपी। आज हम जो है वो भगवत गीता थेरेपी लेके आए हैं, यानी कि आपकी जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम, मतलब आपका गुस्सा, आपके अंदर जो जो भी डिप्रेशन है, आपके अंदर जो स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे रिलेटेड जो हैं उनसे सॉल्व करेंगे। तो भगवत गीता जो है वो क्या बताती है कि आप ये शरीर नहीं है और आप ये मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है, यानी कि आप अपने थॉट्स नहीं है, यानी यू आर नॉट योर थॉट्स। भगवद गीता कहती है कि आप जो है वो थॉट्स के परे हैं, आप ना ही ये आपका मन है, ना ही आपके जो इंटेलिजेंस है आप वो भी नहीं हो, ना ही आप अपना ईगो हो। और साइकोलॉजिकल इलनेसेस क्यों होती हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से होती है। ईगो हर्ट हो जाता है हमारा, हमारे थॉट्स बिगड़ जाते हैं, हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं। तो भगवद गीता कह रही है कि आप जो है वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो। तो जब आप इन तीनों में से कुछ नहीं हो तो आप फिर थॉट्स को सीरियसली क्यों लोगे? थॉट्स को फिर सीरियसली लेना ही बंद कर दो। जब आप थॉट्स को सीरियसली लेना बंद कर दोगे फिर एक अलग ही इंटेलिजेंस आती है जो एफर्टलेस तरीके से आपको चलाती है। तो यहाँ पर जो है वो गीता थेरेपी का मतलब है यहाँ पर कि आप अपने आप को रिलेट मत करें कि आप अपने थॉट्स हैं। कई लोगों के अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं बट वो होते अच्छे हैं, लेकिन अगर आप रिलेट करने लगे परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप स्ट्रेस आने लगेगा आपको कि यार मैं तो इतना अच्छा हूँ लेकिन मेरे अंदर इतने थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो थॉट्स, क्योंकि आप ये थॉट्स नहीं हो, आप उससे भी परे हो, आप जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल, आप जो है वो बिल्कुल अनबायस्ड जो है वो आत्मा हो, सोल हो, जिसका जो है वो किसी से कोई मतलब नहीं है, जो किसी से आइडेंटिफाई नहीं करता अपने आप को, जो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। तो जब आप ये समझ लोगे कि आप मन बुद्धि अहंकार नहीं है, आप इंटेलिजेंस नहीं है अपनी, आप ईगो नहीं है, आप अपनी मेमोरी नहीं है, और मेमोरी से क्या होता है, पास्ट में जो भी हमने जो चीज़ें होती हैं वो हमें हर्ट करती है, मेमोरीज। लेकिन भगवद गीता कह रही है आप ये मेमोरीज भी नहीं है, तो आप जो है वो मेमोरीज भी नहीं है, तो यानी कि आप जो है वो सिंपली इन सारी थॉट्स को, इन सारी मेमोरीज को, इन सारे इमोशंस को, जब आप ये है ही नहीं तो आप इन सारी चीज़ों को बस आने दीजिए और जाने दीजिए, इन पर रिएक्ट ना करें। लेकिन कई बार चीज़ें बायोलॉजिकल होती हैं, ओसीडी हो गया और डिप्रेशन कई बार बायोलॉजिकल होता है, तो उसमें क्या करें? तो भगवद गीता कहती है आप अपना शरीर नहीं हो, यानी आप जो है वो अपना शरीर नहीं हो बट इस शरीर में हमें रहना है। तो यानी कि अब उसके लिए, क्योंकि जो चीज़ बायोलॉजिकल है तो हमें उसको अपने आप से रिलेट भी नहीं करना, हमें ये करना है कि क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो इसमें बायोलॉजी को ठीक करने के लिए अगर पेन हो रहा है कहीं पर, अगर चोट लग गई है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है, उसके लिए हम जो है वो मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। तो दो तरीके हैं यहाँ पर, एक तो ये कि अगर आपके थॉट्स बिगड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप जो है कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और ये टेम्परेरी है, तो समझ लीजिए कि ये थॉट्स की दिक्कत है और ये जो है वो आपके थॉट्स से, ये सारी चीज़ों से आ रही है, तो आप गीता थेरेपी के थ्रू आपको इनको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, साइकोलॉजिकल इलनेस, मेंटल इलनेसेस, तो फिर आप जो है वो बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, यानी कि मेडिसिन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ये शरीर भी नहीं है, यू आर नॉट दिस बॉडी, भगवद गीता कह रही है। तो लेकिन आपको इस शरीर में रहना है तो आप इस शरीर की देखभाल करिए, दैट्स इट। तो ये है गीता थेरेपी। थैंक यू वेरी मच।